चले उस बादल पे उड़े उस आंचल पे हमारे हाथ है दुनिया हमारे साथ है दुनिया हम अपने गीत लिखेंगे हम अपनी रीत लिखेंगे चल पड़ी तो किस रस्ते यो दीवानी कलम खुद लिख ले अपनी कहानी किस्मत की लकीरें छोड़ दे तेरी भूख से बदले रोजे छूटी पड़ जाए ये दुनिया सारी तू नहीं कमजोर आ लगा ले जोर कर बुलंद परचम में से हमारा तेरा बेड़ा गरक परिवश ये क्या कर रही है तू किसको मारेगी अम्मा मार नहीं रही सीख रही हूँ क्या सीख रही है मर्दों वाली चीजें सीख रही है अम्मा इसमें कहाँ लिखा हुआ है कि ये मर्दों वाली चीज है औरत उठाएगी ना तो औरत वाली बन जाएगी ठीक है आ जाए तेरा बाप मैं उससे पूछूंगी ये पढ़ा लिखा के इसको क्या बना रहा है दानियाल से पूछा है वो कब आ रहा है वीकेंड पर आ जाएंगे लेकिन आप उनको पार्टी का नहीं बताएंगे सरप्राइज है तुम और तुम्हारे सरप्राइज कभी कभी मेरा जी चाहता है कि हमारी बेटी भी सिंगर बने नूरजहां की तरह आरजू तो वो बनेगी जो उसकी आरजू चाय मेरी नहीं लाई It's Atif's concert. Chalogi? Atif's concert? Duh. You got the ticket? Duh. Really? Chalo. Tum yahan par ho. Main har jagah tumhe dhoondti phir rahi hoon. Kis liye? Kamil bhai aaya. Milna hai to mil lo. Abbu ne bheja hoga. और वो क्यों आया मिलने के लिए शादी से पहले मिलना ये खानदान की रिवायत के खिलाफ नहीं है जाओ मुझे नहीं मिलना उससे बेचारा इतना तैयार होके आया है कुछ देर तो मिल लो मैंने कहा है ना जाओ यहाँ से मुझे नहीं मिलना चलो तुम्हारी मर्जी यार कंग्रेचुलेशंस तुमने कब अप्लाई किया था फुल ब्राइट के लिए यार पिछले साल भी अप्लाई किया था इस साल भी अब तो चीवनिंग भी मिल गया और फुल ब्राइट भी
अब देखो एक छोड़नी पड़ेगी। That's brilliant. हमारे डिपार्टमेंट के दो और लोगों को भी फुल ब्राइट मिला है। किस किस को? उसामा और सिकंदर को। तुमने क्यों नहीं अप्लाई किया? मुझे पता ही देर से चला। वैसे तुम्हें पता है अगर तुम अप्लाई करती ना पक्का सेलेक्ट हो जाती। टॉपर जो हमारे डिपार्टमेंट की और एक हम है, टॉप 10 में भी नहीं आते। खैर क्या कर रही हो आजकल वैसे? मैं फिलहाल तो रिश्ते वालों के सामने पेश होने की तैयारी कर रही हूँ। कुछ नहीं, बस कुछ मेहमान आ रहे हैं आज। ओह, वो वाले मेहमान? हाँ वही वाले। तुम्हारे पेरेंट्स नहीं कुछ ऐसा प्लान कर रहे? फिलहाल तो नहीं, मैंने उन्हें पहले ही कह दिया था फुल ब्राइट कर लेते हैं, अब वापस आती हूँ तो देखते हैं। और वैसे भी यार मंगनी वगैरह पे बिलीव नहीं करते मेरे पेरेंट्स। और मंगनियों का क्या है यार, चलें तो चलें ना चलें तो ना चलें। अच्छा यार चलो मैं अब रखती हूँ, और गेट टुगेदर का सीन है, मिल रहे हैं ना हम लोग? हाँ ठीक है, तुम बस मुझे टाइम और वेन्यू बता देना, मैं आ जाऊँगी। ओके 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 श्योर, अल्लाह हाफिज़। सारी दुनिया पता नहीं क्या क्या करती फिर रही है, और मैं यहाँ पे कपड़े और जूते मैच कर रही हूँ ताकि एक अच्छे से लड़के के माँ बाप को मैं पसंद आ जाऊँ। माँ तो हमेशा से टॉपर रहा है, जब तक पाकिस्तान में पढ़ता रहा माशाल्लाह यूँ समझिए कि ओ लेवल ए लेवल्स ब्रिटिश कौंसल से हमेशा स्कॉलरशिप लेता रहा, और अब तो अमेरिका में नासा में काम कर रहा है और साथ साथ PhD भी प्लान हो रहा है। 8 साल तो हो ही गए उसको वहाँ पे रहते हुए ना, ग्रीन कार्ड तो है इसके पास, अब नेशनलिटी भी हो जाएगी। देखिए हमारी कोई भी डिमांड नहीं है, बस सिर्फ ये कि लड़की पढ़ी लिखी हो और ख़ानदान अच्छा हो। जी हमारी भी कोई ऐसी डिमांड नहीं है, बस हम भी यही चाहते हैं कि अच्छा ख़ानदान हो, लड़का अच्छा और पढ़ा लिखा हो, शरीफ हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरी बेटी है रबिया। माशाल्लाह इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है ना? जी बहन। कहाँ से पढ़ा है? नस्त से। नस्त से? बाहर से क्यों नहीं पढ़ा? या फिर जीकी से? बस बेटी थी ना, बाहर का मैं ख्याल नहीं आया, और वैसे तो आप जानती हैं कि बाहर के लिए ज़रा रिसोर्सेज भी ज़्यादा चाहिए होते हैं। वैसे तो माशाल्लाह मेरी बेटी भी शुरू से ही स्कॉलरशिप होल्डर रही है, लेकिन बेटा ज़रा फौज में चला गया था ना, तो हमेशा बहन हमें यह ख्याल रहता था कि बेटी हमारे साथ ही रहे। अच्छा अच्छा, और स्कूलिंग कहाँ हुई है बेटी? APS में पढ़ी है। तो बेटा आपकी कोई एक्टिविटीज़ हैं? कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं, कभी कभी पेंटिंग या फिर बेकिंग कर लेती हूँ, दैट्स इट। मेरा मतलब था कि मुल्क से बाहर कोई ट्रैवलिंग, कोई वोकेशंस? नहीं कभी टाइम नहीं मिला ट्रैवलिंग का। ठीक है जी, बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलकर, इंशाल्लाह बहुत जल्द जवाब देंगे आपको, इजाज़त दीजिएगा। ओके जी, बिल्कुल आए। ओके ओके, बहुत अच्छा लगा। ओके बेटा इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफ़िज़। बस जनाब वैसे तो रिटायरमेंट लाइफ गुजर रही है। अच्छा। लेकिन साथ साथ सोच रहा हूँ थोड़ा सा कुछ सेटअप किया जाए। कुछ ना कुछ काम करती रहती है, कुकिंग कंपटीशन में भी हिस्सा उसने लिया था और अच्छा उसने कर लिया, कुछ ना कुछ करती रहती है घर के अंदर भी। हाँ दरअसल हमारे बेटे को मॉडर्न लड़की चाहिए, और आपका तो पता ही है हमारी नहीं बेटे की डिमांड है, तो बस काफ़ी अर्से से बाहर है। आपकी बेटी थोड़ी सी सीधी सादी है, आजकल की लड़कियों की तरह नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप लोग अच्छे नहीं, हमें बहुत अच्छे लगे माशाल्लाह, हर लिहाज से अच्छे हैं, देखते हैं इंशाल्लाह जो अल्लाह बेहतर करे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मैंने तो पहले ही कहा था कुछ नहीं होने वाला। हाँ अब तुम्हें जो एहलाम होने लगे इस बिना पर रिश्ते वालों को इनकार तो नहीं कर सकती ना। अम्मी पिछली दफा जो लोग आए थे उनको मैं काफी मॉडर्न लगी थी, और कहा था लड़की बाल खुले ना रखे, हिजाब करे, क्योंकि लड़का अमेरिका में जाके न्यूबॉर्न मुस्लिम हो गया। आज जो लोग आए थे उनको मैं बहुत सादा लगी, क्योंकि अपेरेंटली लड़का अमेरिका में जाके लिबरल हो गया और उसको उसके जैसी लड़की चाहिए थी। तो बंदा करे तो करे क्या, मजहबी हो या मॉडर्न, नेक बन जाए या गुनाहगार।
तुम अपनी बकबक बंद करोगी? मैं बकबक नहीं कर रही, मैं तंग आ गई हूँ। मेरे साथ पास आउट होने वाली लड़कियों में कोई पावर सेक्टर पे बैठी है, किसी को MIT से स्कॉलरशिप मिल गई है, कोई ऑक्सफोर्ड में पढ़ रही है, और मैं पिछले 2 साल में पाकिस्तान में एक अच्छे लड़के को पसंद नहीं आ सकी। वाओ, हाउ इनकॉम्पिटेंट आई एम। अब ऐसा भी नहीं है, खैर कुछ रिश्ते हमने भी रिजेक्ट किए। तो यही मसला है ना, आधे रिश्ते लड़के वाले रिजेक्ट कर देते हैं, आधे लड़की वाले। इसमें पिस्ती तो लड़कियां ही है ना। अब लड़कों के साथ भी बड़े मसाइल होते हैं। हाँ होते होंगे, लेकिन उनसे कोई ये नहीं पूछता कि ओहो तुम्हारी इतनी उम्र क्यों हो गई, या फिर तुमने इतना ज्यादा क्यों पढ़ लिख लिया। तुम चाहती क्या हो? अम्मी अम्मी मैं ये चाहती हूँ कि मैं सिर्फ शादी के लिए ना जीऊँ। शादी होनी होगी तो हो जाएगी, नहीं होनी होगी तो तब भी मुझे कोई परवाह नहीं है। लेकिन मुझे दुख होता है कि मैं अपने डिपार्टमेंट की टॉपर होकर घर में बैठी हूँ और मुझसे नीचे के लड़के और लड़कियां दुनिया फतह कर रहे हैं। शादी हो जाए तो काम भी कर लेना और पढ़ भी लेना। वो तो तब होगा ना जब अगले को मेरे काम पे एतराज ना हो, या फिर मुझे थोड़ा सा वक्त मिल जाए। तुम्हें कैसे समझाऊं माँ बाप के क्या मसले मसाइल है बेटा। Nice pic. 2.1k likes, 2 घंटे में। ये तुम्हारी ज़िंदगी इंस्टा पे शुरू होती है और ट्विटर पे जाके ख़त्म हो जाती है। So, कोई तीसरी दुनिया है? हाँ है ना। ये वाली, the real world, whatever. अच्छा बताओ, what are we ordering? मैंने already order कर दिया। I know what you like. कम से कम मैं अपना juice को order कर सकता हूँ। कौन सा जूस चाहिए? एप्पल जूस। ओके, देयर यू गो। अच्छा बस 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 चुप करो। क्या चुप करो? मैं तंग आ चुकी हूं तुम्हारे जैसे घटिया आदमी के साथ रह रहकर। मैं कहां कहां किस किस के साथ तुम्हें नहीं पकड़ चुकी रंगे हाथों। बकवास बंद करो, तुम्हें आदत पड़ गई है तमाशा लगाने की, इसीलिए मैं घर नहीं आता। घर आओ तो कोई ना कोई बहाना ढूंढकर तुम भौंकना शुरू कर देती। माइंड योर लैंग्वेज, तमीज से बात करो। तुम ये घर छोड़कर चली क्यों नहीं जाती? क्यों, तुम्हारे बाप का घर है? ये घर मेरे बाप ने मुझे दिया था शादी पर। हाँ तो कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं किया था उसने? ठीक है मैं चला जाता हूं। जाओ लीव। बाजी 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 जल्दी से बाहर आ जाए, बेगम साहिबा ने गुलदान मार दिया साहब को। उनको लगा? नहीं लगा तो नहीं। तो फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? जब लगे तब आके डिस्टर्ब करना। वो दोनों बहुत एक्सपर्ट है, एक दूसरे को मारते नहीं है। ओके जी ठीक है। Thank you.
आजा, नहीं बह जा साइकिल से। क्या कर रहे हो? ले आई बाजी। हाँ ले आई, लेकिन अब अगला खिलौना अगले महीने मिलेगा। लैंडलॉर्ड आया, मकान खाली करने का कह के गया। परिवेश बच्चा, ये देखता है इधर से लेकर ओ सामने दरख्त तक सब हमारा जमीन, 7 एकड़ है। 7 एकड़ एक दुनिया में मिलेगी बाबा। बच्चा अभी तो 20 साल हो गया, सरदार सुनता ही नहीं। मैं मिलूं सरदार से? भाग्य ले क्या, लड़की होकर सरदार से मिलेगा? नहीं मिलता है लड़कियों से। तुम ये पढ़ लिख कर ना अपना कबीले का रवायत भी भूल गया है, सरदार से मिलेगा। हेलो बेटी, मैं सरदार से बात करूंगी, क्या वो हमारा कर्जा माफ कर दे और हमारी जमीन हमें वापस दे दे। जैसा वो तुम्हारा बात मान लेगा। हाँ, क्या पता मान ले। बेटी वो सरदार लोग हैं, हम लोग उसका पाव का जूती का बराबर नहीं है। ऐसा मत कहा करें आप, अल्लाह ताला ने हम सबको इंसान बनाया है। हाँ बेटा, हम इंसान हैं, वो सरदार हैं। अभी भी बहुत पैसे चाहिए बाबा। तुम्हारे बाप ने बात की तुमसे? क्या बात? यानी कि नहीं की? तुम बता दो। सरदार का मुलाजिम आया था, फिर सरदार जमीन छोड़ने पे तैयार है। अच्छा, बाबा ने तो नहीं बताया मुझे, मैं जाकर पूछूं। रिश्ता मांगा है तुम्हारा सरदार ने उसी मुलाजिम के लिए। चैलेंज तो उसको किया जाता है ना जो कुछ करने की कोशिश भी करे। तुम और मटेरियल की बनी हुई हो और जनरल निगार और मटेरियल की बनी हुई है। मेरा ISSB से कॉल लेटर आया है। अच्छा, सब तुम बॉर्डर पे जाके लड़ोगी? और है तू, कूड़मा गज नहीं हूँ। और तुझे पता है आजकल औरतें भी जा रही हैं फौज में। क्या औरत है वैसे? क्या she's quite graceful, काबिलियत भी तो देखो। सर्जन जनरल बन गई हैं, काफी वायरल भी हो रही हैं आजकल। हाँ,
हाँ तो है ना वायरल होने वाली बात और खबर। वैसे मैं भी जा सकती हूँ आर्मी में। तुम और आर्मी, इसमें हंसने वाली क्या बात है? आपको लगता मैं नहीं कर सकती? नहीं बेटा, तुम नहीं कर सकती। Yes, I can. You can't. Yes, I can. You can't. आप मुझे चैलेंज कर रही हैं? चैलेंज तो उसको किया जाता है ना जो कुछ करने की कोशिश भी करे। तुम और मटेरियल की बनी हुई हो और जनरल निगार और मटेरियल की बनी हुई है। वली मोहम्मद, जितनी मेहनत मैं तुम्हें करवा रही हूँ ना, इससे आधी में मैं खुद डेट टेस्ट पास कर लूँ। शाइस्ता बाजी, औरत हैं आप। हाँ तो, औरत हूँ, कूड़ मगज नहीं हूँ। और तुझे पता है आजकल औरतें भी जा रही हैं फौज में। जा भी रही हैं तो क्या करें, वैसे भी ना ये लड़ाई झगड़ा मर्दों का काम होता है। अच्छा अच्छा, अगर ऐसा ही है ना तो जा, तू जाके किसी मत से जाके पढ़। अच्छा, आपको नहीं कह रहा था, मैं तो बाकी औरतों की बात कर रहा था, आप तो अलग तरह की औरत हैं। तू बार बार औरतों के बारे में ऐसी बातें मत किया कर मेरे सामने। जी अच्छा अच्छा, ये समझाए ना। ये देख, सीधी मैथ की इक्वेशन है, ये पहला नंबर है, ये चार नंबर छोड़कर पांचवा नंबर है, फिर चार छोड़कर पांच नंबर है, ये फिल इन द ब्लैंक है, इसे देख, गिन और जवाब लिख। मुझे ये कैसे पता चलेगा इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है? अरे फॉर्मूला नहीं लगाना, अकल लगानी अकल। इसको इंटेलिजेंस टेस्ट कहते हैं, आईक्यू टेस्ट। मैं ना ये सारी किताबें रट लूंगा, मुझे पता है इसी में से आएगा। वली मोहम्मद, ये इंटेलिजेंस किताबों में नहीं होती, ये यहाँ होती है, यहाँ। और ये जो चीज यहाँ होती है ना, ये कई दफा औरतों में मर्दों से ज्यादा होती है, जैसे मुझ में है। ये ऐसे पढ़ाएगी ना तू इसको, तो कैसे फौज में जाएगा? हर वक्त अपनी काबिलियत की, अपनी अकल की बातें करती रहती है। इसलिए करती हूँ दादी, क्योंकि तू हर वक्त मुझे ताने देती रहती है कम अकल होने के, कम तरफुअड़ होने के, तो बोलूंगी ना। और इतनी बुरी नहीं हूँ अगर मैं लड़की हूँ तो। इस पे ध्यान दे, इसको पढ़ा। और तुझे पता है मैंने तो वजीफा भी शुरू कर दिया है कि या अल्लाह मेरे वली मोहम्मद को हमारे खानदान का, इस इलाके का पहला फौजी अफसर बना। आमीन। गलत जवाब लिखा है, फिर से कर। ये बैठे बैठे वली मोहम्मद को पढ़ाने का ठेका क्यों ले लिया तुमने? खानदान में हर बच्चे को तो पढ़ाया है मैंने, अब वो भी पढ़ने के लिए आ गया तो क्या करती? इसलिए तो कहती हूँ कामिल भाई को भी पढ़ा देना। बकवास मत करो और इस तरह के फजूल मजाक भी मत किया करो मुझसे। अच्छा अच्छा, नहीं करती मजाक, लेकिन अब फैसला तो लेना है तुमने। फैसला ले लिया मैंने, मुझे फौज में जाना है। क्या मतलब? मुझे भी फौज में अप्लाई करना है। दिमाग खराब तो नहीं है तुम्हारा? अब्बू ने नौकरियां नहीं करने देना हमें, उन्होंने पढ़ाते हुए बताया तो था। वाह वाह, ये अच्छा है, मुफ्त में खानदान के हर बच्चे को पढ़ाओ कोई मसला नहीं है, लेकिन नौकरियां नहीं करने देनी। एक तो तुम्हारा ढोल, ऐसा बात करो, अब्बू बाहर बैठे हुए हैं। मुझे फौज में जाना है। कौन लेकर जाएगा तुम्हें? किसके साथ जाओगी तुम? तू लेकर जाएगी ना? अभी सिर्फ आर्मी सिलेक्शन सेंटर जाना है, उसके बाद ISSB जाना होगा, बस वहां तक ले जा, बाद में बात की देखी जाएगी। हाँ हाँ, मेरी गर्दन पे छुरी चला दो तुम। और किससे कहूंगी? कोई जरूरत नहीं फौज में जाने की। क्यों जाएगी और जरूरत क्या है? खानदान से एक अच्छा रिश्ता है, इंशाल्लाह वो अपने घर जाएगी। अम्मी, कौन सी उसकी फौज में सिलेक्शन हो रही है? अप्लाई करिए ना तो करने दें, मैं साथ चली जाऊंगी ना अम्मी। अप्पा को कोई बताएगा भी नहीं, चार छह घंटे में वापस आ जाएंगे घर हम। अम्मी, रिश्ते के लिए मान जाएगी वो। अच्छा, रिश्ते के लिए मान जाएगी? अम्मी बात तो सुने, तुम्हारे अब्बा इन शर्तों को नहीं मानने वाले। तो अम्मी अब्बा को बताएगा कौन? आप बोल दीजिए कि हम बाजार गए थे कपड़े लेने। अम्मी मान जाए ना। अच्छा जाओ, मेरे लिए कप चाय बनाओ, फिर बात करती। मैंने तुझे कहा था मेरी फौज में अप्लाई करने की बात करके, तूने मेरा रिश्ता पक्का करा दिया। तो और क्या करती मैं?
कैसे मनाती अम्मी को? मुझे चपले मारना शुरू कर दिए। मुझे लगा तुम खुश होगी कि तुम्हारी इजाजत लेकर आई हूँ। मुझे नहीं चाहिए तेरी इजाजत वजाजत। और तूने मेरी तरफ से हाँ कैसे कर दिए? अख्ती तौर पर करके आई हूँ। शादी तो नहीं हो रही, बस रिश्ता करवा लो। हो सकता है तुम्हें फौज से कमीशन मिल जाए और फिर रिश्ते की नौबत ही ना आए। अब क्या हुआ? तुम और आर्मी। अच्छा, मामा की तरह स्पीच ना शुरू कर देना। I've made up my mind. Made up my mind वाला सीन नहीं नजर आ रहा इस डिसीजन में। Are you sure तुम कर सकती हो? मैं कर सकती हूँ। नहीं, तुम नहीं कर सकती। मैं बचपन से सुन के तंग आ गई हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ क्या नहीं कर सकती। You know what? तुम भी मामा और डैड की तरह जानते नहीं कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। I think I'm pretty sure what you're capable of. मगर इन सारी चीजों में ये एक चीज है जो मुझे समझ नहीं आती। ओके, मैं समझाती हूँ। मैं जनरल निगार की तरह एप्रिसिएशन चाहिए, नॉलेजमेंट चाहिए। अरे, ये सारी चीजें ऐसे सक्सेसफुल लॉयर भी तो मिल सकती हैं। व्हाई जॉइन द आर्मी? मैं आर्मी को भी लॉयर के तौर पे ही जॉइन कर रही हूँ। और जी भी ये सब टाइम वेस्ट करने की एक्टिविटी है। अव्वल तो तुम्हारी सिलेक्शन होने नहीं वाली क्योंकि उनको अपने कैंडिडेट्स में कुछ और चाहिए। You are too glamorous for the army. But really? उन्हें कुछ और चाहिए होता है? As in, मैं, महजबीन मस्तान, उसमें कुछ ऐसा है ही नहीं कि मैं एक army selection center जाके एक simple सब basic test clear कर दूँ। Thank you so much. मुझे इतना mediocre समझने के लिए। मैं तुम्हें mediocre नहीं समझ रहा। देखो, General Nigar is a great role model. मगर उनको भी यहाँ पहुँचते पहुँचते कम से कम 3 decades लग गए हैं। तुम 3 दिन कंसिस्टेंसी से एक काम नहीं कर सकती, तुम उन्हें क्या फॉलो करोगी? अगर ये बात है तो अब देखना। मैडम ऑर्डर कब देंगी आप? जी बस थोड़ी देर में। ओके मैम। कहाँ हो? अभी तक आए नहीं। आ गया आ गया आ गया आ गया। ये देखो ये देखो ये देखो, लो मैं आ गया। हेलो हेलो। अब तो आदत सी हो गई है मुझे, इंतजार करवाना बहुत अच्छा लगता है। ऑर्डर दे दें, वेटर काफी दफा आ चुका है। हाँ, बहुत भूख लग रही है मुझे। एक्सक्यूज मी। जी सर। जी सर, क्या ऑर्डर करेंगे? यार आपका एक बहुत जबरदस्त सैंडविच होता है, मशरूम सैंडविच, वो ले आइएगा। और कॉफी? हाँ कॉफी भी प्लीज, जल्दी से। ओके सर। लंच टाइम में ऑफिस से निकलना बहुत मुश्किल होता है। सारा वर्कलोड जो मुझ पे होता है, अब सरकारी नौकरी है, असली मसाइल तो समझ में। किसका मैसेज है? किसी का नहीं, एक फ्री है मेरा। What's now? मेरा ISSB से कॉल लेटर आया है। अच्छा, सब तुम बॉर्डर पे जाके लड़ोगी? हाँ, टैंकों और तोपों के साथ? नहीं, एजुकेशन कोर है, इंग्लिश लैंग्वेज की टीचिंग करूंगी। और तुमको लगता है तुम पास करोगी? कोशिश करूंगी। कर लो, लेकिन होना नहीं है क्योंकि वहां जो कॉन्फिडेंस चाहिए होता है वो तुम्हें नहीं है। और फिर सिफारिशें भी तो चाहिए होती हैं। अब मैं सरकारी नौकरी में गया, काबिलियत तो थी बट सिफारिशें भी तो लगवाई है ना। हाँ, लेकिन फौज में ऐसा नहीं होता शायद। हाँ, जो भी होता है मेरिट पे होता है। करके देख लो, पता चल जाएगा कितना मेरिट पर होता है। वैसे फौज में जाने की जरूरत नहीं थी। फौज में जाने में क्या बुराई है? अच्छा छोड़ो ना, अब मैं और तुम यहाँ क्या ये मसाले डिस्कस करने के लिए बैठे हैं? हम तो रोमांस करने आए ना यार। अच्छी लग रही है वैसे। ये हेयर स्टाइल तुम्हारा नहीं है? तुमने नोट किया? यस। सेल्फी लें? लेट्स टेक अ सेल्फी।
ली। तुम्हारे पास तो एल्बम्स होंगे मेरी तस्वीरों की। डिजिटल एल्बम्स। वो अम्मी कह रही थी कि इस महीने किराया लेट हो जाएगा तो तुम अपने अब्बू को बता देना। अरे यार यही मसला है तुम लोग का, तुम लोग हमेशा किराया लेट कर देते हो, फिर पापा बिला वजह चिल्लाते हैं, फिर कहते हैं कि घर खाली करवाओ किसी और को देना है, फिर मैं बीच में आता हूँ रोकता हूँ, और फिर तुम्हारे और मेरे पापा की दोस्ती भी है तो वो भी ख्याल आ जाता है उन्हें। सेवियर हो ना तुम मेरे। हाँ वो तो हूँ मैं, लेकिन तो सेवियर नहीं कहलाना चाहता ना, कुछ और भी कहलाना चाहता हूँ। कुछ और नहीं कहोगे मुझे? हेलो मैं तो अच्छा हूँ। अच्छा मैं तुम्हें थोड़ी देर बात कॉल करूँ? हाँ एक ऑफिस की मीटिंग पे आया हूँ मैं, आता हूँ बट मैं कॉल करूँ, कॉल उठा देना मेरी। रिबेका का फोन था। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हारे चेहरे से। तुम्हें पता है ना वो दिन में 200-250 कॉल्स करती है, अब इसके दो ही हल हैं, या तो मैं साइलेंट कर दूं या फिर फोन बंद कर दूं, तभी मसला हल हो सकता है। अच्छा वो अम्मी पूछ रही थी तुमने बात की अपने पेरेंट्स से? किस हवाले से? हमारे रिश्ते के बारे में। यार शादी का इरादा नहीं है, मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है। हाँ नॉरिस, लेकिन 5 साल हो गए हैं और मुझे तो शादी करनी है ना, और अम्मी वगैरह के पास रिश्ते भी आ रहे हैं। यार आरज़ू मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, तुम्हारे पास कोई अच्छा ऑप्शन आता है तुम उसे कंसिडर कर लेना। मैं तुम्हारे हालात और सिचुएशन को जानता हूँ, प्यार तो मैं तुम्हें बहुत करता हूँ, बस कमिटमेंट और शादी से घबराता हूँ। थोड़ा सा मुस्कुरा दो, ऐसे ना देखो यार। आओ चलो ये खाओ ना। आगे लाओ बस, प्लीज डोंट डू इट, ये बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। व्हाट, ये जूस लेना? कल सुबह वाले टेस्ट की बात कर रही हूँ मैं। मॉम प्लीज स्टॉप इट, इस घर में हर वक्त यही बात चलती रहती है, वो कर लो ये ना करो, ये कर लो वो ना करो, जो मैं चाहती हूँ वो क्यों नहीं कर सकती मैं? तो मैंने तुम्हें कब रोका है कुछ भी करने से? आपने करने क्या दिया मुझे? तुमने कहा कि मैंने लॉ करना है, मुझे पसंद नहीं था पर मैंने कहा ओके फाइन बन जाओ लॉयर। आई वॉन्ट टू बी अ क्रिमिनल लॉयर, लेकिन आपने जबरदस्ती मुझे कॉर्पोरेट लॉयर बनाया, बिकॉज अपेरेंटली पाकिस्तान में क्रिमिनल लॉ इज टू डेंजरस। तुम्हें दुनिया का तो पता नहीं है कोर्ट कचहरी के चक्कर कैसे लगाओगी, राइट? वो जो नेटफ्लिक्स पे सीरीज होती है ना, उसमें जो लड़कियां प्रैक्टिस करती हैं, वो पाकिस्तान में नहीं रहती, यहाँ प्रैक्टिस करती होती तो कब की भाग जाती, इतने तो मर्डर्स होते हैं कोर्ट्स में। ओके, होते हैं, छोड़ दिया ना, अब जब मैंने आर्मी में जाने का डिसीजन लिया है तो वहां भी लॉयर प्रैक्टिस करना है ना। तो यूनिफॉर्म में क्यों करना है, सैलरीड लॉयर बनना है तुमने, तुम्हें पता है पीनट्स जितनी सैलरी होती है उनकी। द पे इज नॉट माय कंसर्न मॉम, आई वांट ग्लोरी, यूनिफॉर्म वाली ग्लोरी, आई वांट टू बी कोटेबल। मैंने सारी रिसर्च की है आर्मी पे, और मेडिकल के अलावा कोई सीनियर पोजीशन पे नहीं पहुंच सकता, लेकिन मैं जाऊंगी महजबीन मस्तान, ब्रिगेडियर महजबीन मस्तान, जी जी जी, जनरल महजबीन मस्तान। सारी जिंदगी लग जाएगी, कम से कम 25 साल तो कहीं नहीं गए। स्टिल देयर इज नो गारंटी दैट यू आर गोइंग टू मेक इट टू द टॉप। इधर लॉ में तो मैं और तुम्हारा बाप तुम्हें फैसिलिटेट करवा सकते हैं ना, तुम्हारा बाप तुम्हें बेस्ट चेंबर का हिस्सा बनवा सकता है, कुछ साल प्रैक्टिस करोगी तो जज बन जाओगी।
कोई एडवेंचर वाला काम ना करने दीजिएगा मुझे आप दोनों, बस जज बन जाओ, टेबल पे हैमर बजा बजा के फैसले करते रहो, राइट? अब मुझे कोई नहीं कहेगा कि मैं क्या कर सकती हूँ क्या नहीं, क्योंकि अगर आप कहते रहे तो मैं वाकई नहीं कर पाऊंगी, ठीक है? Okay, go to hell. ना तुम्हारे बाप ने कभी सुनी ना तुम सुनती हो, एक ही जैसे हैं दोनों वैसे। दानियल भाई को अच्छा लगेगा। हेलो, कहाँ हैं आप? अभी एक घंटा लगेगा। एक घंटा? आप तो कह रहे थे आप जल्दी आ जाएंगे। नहीं नहीं, टाइम लगेगा सर, हमने तो जल्दी पहुंचना है। सरप्राइज देना है उसे यार। हाँ अच्छा ओके, इसका मतलब है मैं सो जाऊँ? हाँ तुम सो जाओ, मैं जब आऊँगा तो तुम्हें बता दूंगा। और उसकी ठीक है। रबिया रब सर क्या हुआ? उसकी गाड़ी तेज चलाओ सर, गाड़ी तेज चलाओ और तेज चलाओ। टेस्ट के लिए जाने वाली हूँ। पता नहीं किसने तुम्हारे दिल में ये खुशफहमी डाल दी है कि आर्मी तुम्हारे इंतजार में बैठी हुई है। लॉ में इतनी अच्छी नौकरी है तुम्हारी, इतने बड़े चैंबर के साथ काम कर रही हो, एंड यू वांट टू जॉइन द आर्मी? मैंने तय कर लिया कि मुझे जनरल बनना है। भाई अगर वो आर्मी में जाना चाह रही है तो जाने दो, तुम्हारा क्या मसला है? टाइम वेस्ट कर रही है। जाने दे इसे अब्बू, इसने कौन सा आर्मी में सेलेक्ट हो जाना। तूने मम्मी से क्या कहा था मैं फेल हो जाऊं? अब जब तुम उसको फौज में भेजने जा रहे हो ना, बहुत बदनामी होगी हमारी। फिर भी हम उसको भेजेगा। अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगी ना तो फिर मैं घर से भाग जाऊंगी।